सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, तमिलनाडु और बड़ौदा की टीम के बीच में खेले गए सैयद मुसाक अली ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में मैदान में दिनेश कार्तिक ने कैसा डाइव लगाकर शानदार कैच पकड़ा था। उस कैच ने पूरा मुकाबला ही पलट कर रख दिया था और कैच इतना ज्यादा शानदार था कि सबको धोनी की याद आ गई थी। आखिरकार कैसे दिनेश कार्तिक ने इतने मुश्किल कैच को पकड़ा, आपको वीडियो में बताएंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर यह निकल कर सामने आ रही है कि भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए जो विराट कोहली टीम में वापसी करने जा रहे हैं, उन पर गौतम गंभीर ने अपना बड़ा बयान दिया है। तो गौतम गंभीर ने कोहली पर क्या कहा है, यह जानने के लिए भी आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, अगर आपको भी हमारी खबरें पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, पूरे 7 साल के इंतजार के बाद आखिरकार तमिलनाडु की टीम सैयद मुस्ताक अली ट्रॉफी को जीत पाई है। आपको बता दें कि आज से ठीक 7 साल पहले जिस कप्तान ने तमिलनाडु की टीम को सैयद मुस्ताक अली ट्रॉफी में जिताया था, वो कोई और नहीं बल्कि दिनेश कार्तिक ही थे। इस बार के टूर्नामेंट में भी दिनेश कार्तिक ने अपनी टीम के लिए इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया कि सारी टीम ने एकजुट होकर एक भी मुकाबला नहीं हारा। मतलब कि दोस्तों, सैयद मुस्ताक अली ट्रॉफी के पहले दिन के खेल से ही तमिलनाडु की टीम नंबर 1 थी। अब बात फाइनल मुकाबले की करें तो ये खेला गया था मोटेरा स्टेडियम में, जो कि फिलहाल तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। टॉस जीतकर बड़ौदा की टीम के खिलाफ तमिलनाडु की टीम का पहले गेंदबाजी का फैसला था। बड़ौदा की टीम, जो कि इस बार के टूर्नामेंट में केवल अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए जानी गई है, दिनेश कार्तिक की कप्तानी और तमिलनाडु के गेंदबाजों के सामने पानी भरती हुई नजर आई। और दोस्तों, आप सभी इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पारी के 19वें ओवर तक ही बड़ौदा जैसी मजबूत टीम के तमिलनाडु के आगे 94 पर ही 7 बड़े विकेट गिर चुके थे और इसका पूरा श्रेय जाता है दिनेश कार्तिक की चालाकी भरी कप्तानी को। लेकिन जब तमिलनाडु की टीम का आखिरी ओवर डाला जा रहा था, तो इसी ओवर की आखिरी गेंद पर दिनेश कार्तिक ने एक ऐसा कैच पकड़ा कि सबको धोनी की याद आ गई। आपको बता दें कि तमिलनाडु की टीम की तरफ से आखिरी ओवर को डाल रहे थे तेज गेंदबाज एम मोहम्मद। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर जब बल्लेबाज पठान ने एक बड़ा शॉट खेलना चाहा तो गेंद शॉर्ट लेग की तरफ हवा में चली गई, लेकिन इसी कैच को पकड़ने के लिए दिनेश कार्तिक विकेट के पीछे से दौड़ते हुए शॉर्ट लेग की तरफ गए और एक शानदार डाइव लगाकर इस कैच को पकड़ लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि इस कैच को पकड़ने के बाद बल्लेबाज पठान तो 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन दिनेश कार्तिक का यह कैच वाकई में देखने वाला था। आपको बता दें कि भारतीय टीम की तरफ से या फिर चेन्नई की टीम की तरफ से अक्सर ऐसे कैच मैदान में महेंद्र सिंह धोनी पकड़ा करते हैं। जिस हिसाब से दिनेश कार्तिक ने मैदान में उछलकर डाइव लगाई, इस नामुमकिन कैच को पकड़ लिया, उसके बाद हर जगह उनकी वाहवाही हो रही है। और दोस्तों, दिनेश कार्तिक के इसी शानदार एफर्ट को आप सभी 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, दूसरी खबर आपको बता दें कि गौतम गंभीर ने हाल ही में भारतीय टीम में वापसी कर रहे कप्तान विराट कोहली पर अपना बड़ा बयान दिया है। अभी कुछ दिनों पहले ही गौतम गंभीर ने भारतीय टीम की ऑस्ट्रेलिया में जीत के बाद विराट कोहली की कप्तानी पर सवाल उठा दिए थे, लेकिन अब उनका कहना है कि उन्होंने विराट कोहली की टेस्ट और वनडे फॉर्मेट में कप्तानी पर कभी भी सवाल नहीं उठाए। इसी इंटरव्यू में आगे बातचीत करते हुए गौतम गंभीर ने यह कहा कि मैंने हमेशा ही उनके T20 में कप्तानी पर सवाल किया है, लेकिन उनके 50 ओवर और टेस्ट मैच में कप्तानी की काबिलियत पर कोई सवाल नहीं किया। टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने उनकी कप्तानी में ही काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और इस बात को लेकर मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ। मैं यह भी जानता हूँ कि कोहली की कप्तानी के अंडर भारतीय क्रिकेट टीम आगे चलकर भी अच्छा प्रदर्शन करेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि जब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में बिना विराट कोहली के जीती थी, तो दर्जनों दिग्गजों ने विराट कोहली की बुराई करी थी, लेकिन अब गौतम गंभीर का कहना है कि उन्होंने विराट कोहली की कप्तानी पर कभी सवाल नहीं उठाए, खासतौर पर टेस्ट और वनडे फॉर्मेट में। तो लेकिन आप सभी को क्या लगता है, जब बात अब टेस्ट क्रिकेट की आती है तो अजिंक्य रहाणे और विराट कोहली में से कौन एक बेहतर कप्तान है, इस बात का भी जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। और ऐसी सभी ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।